अरे मोदी जी, हो गया ना मेरा गुड़ तैयार, जल्दी जल्दी गुड़ को तैयार करो, मुझे इस गुड़ को कहीं पे लेके जाना है, जल्दी दो तैयार करके मुझे गुड़। भाई से एक चीज बताओ मोदी जी, तुम इकट्ठा गन्ना क्यों नहीं बेचती हो, ये गन्ने का रस निकाल के गुड़ बनाकर क्यों बेचती हो, कुछ तो बताओ। इतनी बड़ी गन्ने की पैदावार करती हो लेकिन हल्के हल्के तुम गन्ने का रस निकाल के और उससे गुड़ बनाकर बेचती हो तुम। अरे क्या बताऊं योगी जी, ये गुड़ के पैसे नगद तो आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन इकट्ठा गन्ना कहीं पे भी बेचो पेमेंट आ ही नहीं पाती खाते में, बड़ा टाइम लग जाता है आने में, महीने दो महीने। इसीलिए मैं अपने आप गन्ने का रस निकाल के गुड़ बना के आराम से बेचता रहता हूँ, नगद पैसा भी आता रहता है। लो योगी जी, तुम्हारा गुड़ भी तैयार हो गया, किसी चीज में ले लो थैली उली में, तुम्हें भी हम पे विश्वास नहीं है, सामने बिल्कुल बैठ के अपने आप गुड़ तैयार करवाया है तुमने हमसे। अरे राहुल, बैठे बैठे ये क्या देख रहे हो, देखो रस में खौला आने लगा, तेजी से आंख को जलाओ, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, हमारी बातें क्या सुन रहे हो, कहीं रस उबाल मार के ना निकल जाए, रस की तरफ भी ध्यान रखो, हमारी बातों की तरफ ध्यान रखे पड़े हो तुम तो। लालू जी, तुम्हारा ध्यान किधर है, गुड़ तैयार हो गया, इसे भट्टी से नीचे उतार लो, उतारो, योगी जी को जल्दी देना है अभी। अरे मोदी जी, तुम्हें भी आफत रहती है, ये ट्रे इतनी गर्म है, तुमने हाथ जलवा दिए मेरे, कम से कम सुकून से तो काम कर लिया करो। अरे योगी जी 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 10 मिनट और इंतजार कर लेंगे। अरे लालू जी सही कह रहे हो, इन्हें आपती रहती है, अभी रस में खौला आया नहीं है और मुझसे कह रहे हैं कि देखो रस में खौला आ गया, इनके पास काम करना तो समझो, अपने आप को मुसीबत में डालना है। अरे मोदी जी, मैं तुम्हारी बातों पे भी ध्यान रखा हुआ हूँ और रस पे भी ध्यान रखा हूँ और भट्टी में आग भी जला रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अरे मोदी जी सही तो करती हो तुम, गुड़ बना के आराम से नगद पैसा तो कमा लेती हो, इकट्ठा गन्ना बेचने में तो लेट अबेर हो जाता है, क्या बताया जाए। और मोदी जी तुम क्या कह रहे हो कि विश्वास नहीं था, सामने बैठ के गुड़ बनवाया, अरे मैं खाली था इसीलिए यहाँ बैठा रहा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर बैठने के लिए, वैसे तुम्हारा गुड़ होता बहुत बढ़िया है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल, ये क्या हरकत है, तुमने अपना सर साइकिल के त्रिकोण में कैसे फांस दिया, अरे निकालो निकालो, जल्दी निकालो। अरे योगी जी, मैंने अपना सर साइकिल के त्रिकोण में अपने आप नहीं फांसा है, ये सर मेरा मोदी जी ने फांसा है इसमें, ये साइकिल का नया टायर डलवाने के लिए आए थे, मैंने कहा कुछ देर रुक जाओ, मैं एक टेम्पो का टायर है उसका पंचर जोड़ दूं जो इनके पीछे पड़ा है, लेकिन ये नहीं माने, बोले मुझे अभी नया टायर डलवाना है, और मैंने मना किया तो इन्होंने साइकिल के त्रिकोण में मेरा सर फांस दिया, अब मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, कैसे निकालूं इस सर को, ये बताओ, तुम ही बताओ कैसे निकालूं। अरे राहुल, अब कर रहे हो, कैसे निकालूं कैसे निकालूं। अरे जब मैं आया था उसी टाइम मेरी बात मान लेते, पहले मेरा साइकिल का टायर डाल देते, नया जो मैं लेके आया हूँ ये मेरे गले में पड़ा हुआ है, ऐसी हरकत मुझे क्यों करना पड़ती ये बताओ। अरे मैं कितनी देर से बैठा हूँ और तुम दूसरे का काम करे जा रहे हो, दूसरे का काम करे जा रहे हो, मेरी सुनी नहीं रहते, अब मैंने तुम्हारा सर मैंने अपने साइकिल की ही कैंची में डाल दिया। अरे मोदी जी, अब मैं तुम्हारा ही काम करूंगा, तुम मेरा सर निकाल दो इस साइकिल के त्रिकोण से, जो तुम गले में नया टायर पहने हो यही नया टायर डालूंगा मैं, जल्दी मेरा सर निकाल दो। अरे अभी कुछ देर और फंसे रहो, इसी तरीके से फंसे रहो, आज तुमने मुझे 2 घंटे बैठा के रखा है तो मैं भी तुम्हारा सर इस साइकिल के त्रिकोण में 2 घंटे फंसा कर रखूंगा, अभी नहीं निकालूंगा मैं, इतना समझ लो। अरे मोदी जी, अब राहुल कह तो रहा है वो तुम्हारा काम कर देगा, तुम जो गले में नया टायर पहने हो वो डाल तो देगा तुम्हारी साइकिल में, निकालो उसका सर, क्यों फांस रखा है उसका सर, निकाल दो, दर्द होता होगा उसको। योगी जी, तुम तो आकर यहाँ पर सिफारिश करो मत राहुल की, ये राहुल साइकिल मिस्त्री बहुत ही गलत साइकिल मिस्त्री है, ये जल्दी किसी का काम ही नहीं करता है, कम से कम 2 घंटे बैठा कर रखता है तो काम करता है, आज मैंने इसका सर ही साइकिल में फंसा दिया, अब मैं तब निकालूंगा जब ये कबूल करेगा कि मैं हमेशा जल्दी काम करूंगा। ठीक है, मैं आज से जल्दी काम करूंगा, सबका जल्दी काम करूंगा, निकाल दो निकाल दो, बहुत दर्द कर रहा है मेरा सर। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सर साइकिल के त्रिकोण से निकालता हूँ, लेकिन याद रखना मैं जब भी साइकिल लाऊं मेरी साइकिल सबसे पहले रिपेयर करना। अरे भाई साहब, कितनी देर और लगेगी इस गाड़ी को सही करने में, 2 घंटे हो गए तुम्हें सही करते करते, तुम्हें गाड़ी की कमी पकड़ में ही नहीं आ रही है, कैसे मकैनिक हो तुम। अरे इस तरीके से तो हम जिस शादी में जा रहे हैं वो शादी निकल जाएगी, खाना भी नहीं मिल पाएगा, पेट में चूहे कूद रहे हैं वो अलग, ऐसी जगह पर गाड़ी खराब हुई है जहां दूर दूर तक खाना नहीं है। अरे भाई साहब, बस 2 मिनट और रुको, 2 मिनट का सब्र करो, गाड़ी की कमी पकड़ में आने ही वाली है, बस 2 मिनट, गाड़ी की कमी पकड़ में आते ही
एक मिनट लगाऊंगा मैं सही करने में, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, शादी तुम्हारी नहीं निकल पाएगी, शादी का खाना तुम शादी में ही जाके खाओगे। अरे भाई कब से तुम दो मिनट कह रहे हो, दो घंटे होने को जा रहे हैं, तुम्हारे दो मिनट ही नहीं हो पा रहे। अरे लगता है ये शादी अब तो निकल गई, मिल ही नहीं पाएगी हमें, खाना लगता है यहीं पे खाना पड़ेगा किसी ढाबे में या होटल में। मुझे नहीं लगता तुम कोई अच्छे मैकेनिक हो जो कमी नहीं पकड़ पा रहे हो इस गाड़ी की। अरे भाई गाड़ी ये तुम्हारी इस जमाने की हो तो सही कर भी दूं, अंग्रेजों के जमाने की है, सदियों पहले की, कैसे सही करूं? अगर इसकी कोई कमी पकड़ में आ भी गई तो इसका पार्ट्स यहाँ पर नहीं मिलेगा, अगर कोई पार्ट्स खराब निकला। अब शादी को भूल ही जाओ तुम, मैं तो कहता हूँ। अरे भाई अभी तुम कह रहे थे कि दो मिनट में सही कर रहा हूँ, अब तुम उल्टी सीधी बातें करने लगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसा हमारा दिल तोड़ रहे हो? अरे हमें बहुत तेज भूख लगी है, शादी में पहुंचना है। अरे भाई जो सच्चाई है वो ही बोल रहा हूँ, इस गाड़ी का एक एक पार्ट काट के मुझे अपने गैराज में ले जाना पड़ेगा, वहीं पर सही होगी। यहाँ पर तो ये सही होने से रही, यहाँ पर ये सही नहीं होगी। इस शहर का कोई भी मैकेनिक बुला लो वो सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा मैकेनिक कोई नहीं है इस शहर में। अरे भाई साहब कैसी बात करते हो, 1955 की तो गाड़ी है ये, ज्यादा पुरानी कहाँ है, बिल्कुल नया मॉडल है ये, 1955 की है, सही कर दो जल्दी जल्दी। अरे मोदी जी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इससे तो मैं अमित शाह जी के साथ निकल जाता उनकी गाड़ी पे। इतनी पुरानी गाड़ी रखते हो जो रास्ते में ही बंद हो गई, कहां से आ गया मैं तुम्हारे साथ। अरे भाई साहब वो बातें बात को करना, रोड पर बैठे हो, थोड़ा साइड में आके बैठ जाओ, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत चलता है, ये गाड़ी मुझसे सही नहीं होगी, मैं तो जा रहा हूँ भाई। और भाई लोगों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने तांगा रोक के मुझे बैठा लिया, नहीं तो मैं पैदल आता, बिल्कुल थक जाता आते आते। ये बताओ मोदी जी ये क्या नया धंधा चालू कर दिया, ये तांगे पे काले काले बोरे किस चीज की हैं, क्या लोड करके ला रहे हो? पहले तो आप तांगे पर सवारी ढोते थे, लेकिन ये आप काले काले बोरे क्या लोड करके लाने लगे? अरे क्या बताऊं योगी जी, जब से घर घर मोटरसाइकिल क्या हुई है, सवारी ही मिलना बंद हो गई, सवारी निकलती ही नहीं है बिल्कुल, जो भी निकलती है अपनी मोटरसाइकिल पे निकलती है। अब मुझ पे तांगा तो था ही, मैंने सोचा तांगे पर कोई दूसरा धंधा चालू कर लूं, क्या तांगे को बेचूं मैं, तो इसीलिए मैंने कोयले का धंधा चालू कर दिया। अब कोयले की खदान से ये कोयला भर के लाता हूँ बोरों में, होटल ढाबे इन पर ये कोयला देता हूँ, अच्छी आमदनी हो जाती है। 50 रुपए कोयला लाता हूँ खदान से, और होटलों पे ये 70 रुपए किलो बेचता हूँ, 20 रुपए किलो मिल जाते हैं मुझे। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम कह रहे थे कि मैंने तुम्हें बैठा लिया, तुम मुझे धन्यवाद देते हो, धन्यवाद मुझे मत दो, तुम उसके बदले 5 रुपए का साबुन ले लेना, क्योंकि उससे ज्यादा तो ये तुम्हारे सफेद कपड़े काले हो जाएंगे, जाकर कपड़े धो लेना, धन्यवाद धन्यवाद मत दो। मैं तो बैठा लेता हूँ किसी को जो भी कहता है, अपने आप काला हो जाएगा बैठ के इन काले बोरों पे। अरे मोदी जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं आपके काले बोरों पे बैठ गया, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं बिल्कुल काला हो जाऊंगा, ये मेरा सफेद पैजामा काला हो जाएगा। और ये बताओ अखिलेश को क्या साथ में लगाया है तुमने? देखो योगी जी मैं बैठाने को मना करता तांगे पे तो तुम ये कहते कि मैं बैठाने को मना कर रहा हूँ, मैं तो बैठा लेता हूँ, बैठने वाले की खुद आंखें होना चाहिए, ये काले बोरे हैं हम काले हो जाएंगे। और हाँ अखिलेश को मैंने अपने साथ में लगा दिया है, क्योंकि ये इतने भारी भारी बोरे होते मैं अकेले कहाँ इधर से उधर करे फिरूंगा, इसीलिए अखिलेश साथ में चलता है मेरे। अरे मोदी जी तांगा रोक लो, मुझे भी बैठा लो इस तांगे पे, तुमने योगी जी को बैठा रखा है, मुझे भी बैठा लो, थोड़ी दूर पे छोड़ देना आगे। अब ये देखो योगी जी ये राहुल तांगा रुकवा रहा है, तो क्या मैं मना कर दूं इसे बैठाने से? मैं मना करूंगा तो ये कहेगा कि योगी जी को बैठा लिया, मुझे नहीं बैठा रहे, भाई मैं तो बैठा लेता हूं, अपने आप काला हो जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।